गुलाबी नगरी जयपुर की धरा पर देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे का मजमून लिखा जा सकता है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो जयपुर में हैं और संभावना जताई जा रही है कि भारत फ्रांस के बीच रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। पीएम मोदी और मैक्रो के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सौदे को लेकर चर्चा होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा और राजस्थान के साथ ही गुलाबी नगरी की आवाम के लिए यह बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि दो देशों के प्रमुख गुलाबी नगरी में अपनी दोस्ती की नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं और इस नई दोस्ती के साथ ही कुछ नए ऐतिहासिक फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। कुछ नवाचारों को अमली जामा पहनाया जा सकता है तो कई नई संभावनाओं को भी दिशा दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि जयपुर में मोदी और मैक्रो की यह दोस्ती कई बड़े और नए आयाम स्थापित करेगी। सबसे ज्यादा संभावना है कि जयपुर में होने वाली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता में विपिन्स के जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर स्वीकृति की मोहर लग सकती है और सूत्रों की माने तो इस चर्चा का खाका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट उद्योग और पर्यटन क्षेत्र विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी मैक्रो के सामने इस पर कोई प्रस्ताव रख सकते हैं जिससे पिछले कुछ अरसे से मंद पड़ चुके हैंडीक्राफ्ट उद्योग को पंख लग सकते हैं। जयपुर आने पर फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। डिप्टी सीएम के साथ जब वे आमेर विजिट पर थे तो उन्होंने यहाँ हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े कारीगरों से वार्ता भी की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ थे। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के लिहाज से भी कोई वार्ता हो सकती है। यूपीआई पेमेंट को लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट के क्षेत्र में भारत काफी सफल रहा है, ऐसे में फ्रांस के साथ यूपीआई पेमेंट के मैकेनिज्म को लेकर कोई वार्ता प्लान की जा सकती है। दोनों ही नेताओं ने जयपुर में एक छोटा रोड शो भी किया। इस दौरान गुलाबी नगरी की जनता ने बड़ा ही भव्य स्वागत और सत्कार भी किया। रोड शो के बाद इमैनुएल मैक्रो और पीएम मोदी रामबाग पहुंचे, फिर जंतर मंतर पहुंचे। तो बता दें कि इससे पहले जुलाई में जब पीएम मोदी का फ्रांस दौरा था तब फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए थे। यूपीआई को लेकर भी एक समझौते पर इस दौरान दोनों नेताओं में चर्चा हो चुकी थी। तो बता दें कि फ्रांस राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी हैं। खैर, मुख्य मुद्दा है आखिर मोदी और मैक्रो की यह दोस्ती क्या इतिहास रच पाएगी, गुलाबी नगरी में क्या गुल खिला पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।